कटनी जिले के कुटला थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रेड मरकरी का प्रलोभन देकर उड़ीसा के रहने वालों को कटनी बुलवाया, उनके हजारों रुपए की ठगी की, जिसकी कुटला थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कुटला पुलिस ने दो अपराधियों को अरेस्ट कर उनके पास से दो मोटरसाइकिल, 22,000 नगद रुपए सहित दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जिन मोबाइल में मढ़ी रेड मरकरी व जड़ी बूटियों की वीडियो मिली, जिसे दिखाकर बाहरी लोगों को कटनी बुलाकर अपना शिकार बनाकर मौके से फरार हो जाते थे। कटनी जिले के एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि 10 जुलाई को फरियादी रामकृष्ण राउत, 21 साल, जो मरियूर भंज उड़ीसा का रहने वाला है, वह कुटला थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह बरीपदा उड़ीसा में कुक का काम करता है। करीब दो वर्ष पहले मेला में रुद्राक्ष बेचने वाली महिला से एक मुखी रुद्राक्ष खरीदने की बात पर संपर्क हुआ था, जो उसके मोबाइल से लगातार बातें होती थी। उसी नंबर पर पिछले 2-3 माह से महिला के पति द्वारा अपने पास रेड मरकरी का होना बताया और 2 लाख रुपए में उपलब्ध करा देने का फोन आ रहा था, जिसके लिए 80,000 रुपए एडवांस और बाकी रकम बाद में देने की बात हुई। तब वह अपने साथियों सव्यसाची सिन्हा, विश्व रंजन पटनायक, राजेश प्रहराज के साथ कार लेकर 9 जुलाई को ड्राइवर शुभंकर पात्रा के साथ कटनी आकर संपर्क किया और उनके बताए अनुसार स्थान पर पहुंचे। वहां मौजूद 4 लोग 2 मोटरसाइकिल में आए थे, आपस में गुरजलाल, कसाल, पंजाब कहकर नाम ले रहे थे, जिन्होंने कांच की शीशी में लाल रंग की वस्तु दिखाई और 2 लाख रुपयों की मांग की, जिस पर फरियादियों ने उतने पैसे न होने का कहकर वापस आकर होटल में रुक गए और सुबह दोबारा अपने साथी के साथ उन अपराधियों के पास एडवांस राशि 80,000 रुपए लेकर गए। वहीं 4 लोग मिले जिन्होंने 80,000 रुपए एडवांस लिए और राशि की मांग करने पर फरियादियों ने वापस आकर एटीएम से 35,000 रुपए निकालकर फिर से वापस जा रहे थे, लेकिन साथियों द्वारा कुछ शक होने पर रास्ते के दुकानदारों से पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि ये पारधी समाज के लोग हैं, जो बाहरी लोगों को मड़ी बूटी या रेड मरकरी बेचने का लालच देकर बुलाते हैं और बेईमानी से पैसा ऐंठ लेते हैं, कई बार मारपीट भी करते हैं। इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी जानकारी लगने पर सभी अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने कुटला थाना पहुँच रिपोर्ट दर्ज कराई। कुटला थाने की पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले की 3 थाना प्रभारियों की टीम द्वारा फरियादी के द्वारा बताए गए जगह की घेराबंदी की गई। वह बताए गए हुलिया अनुसार संदिग्धों की तलाश हेतु सर्चिंग करने के दौरान दिनांक 11 जुलाई को उन्हीं अपराधियों की बताई गई मोटरसाइकिल के आधार पर देवडोंगरा से कटनी आते हुए दिखाई दी, जो पुलिस के रोकने पर तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ाकर भागने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान स्लिप होकर गिर गए, जिन्हें पकड़ने पर अपना नाम गुरजलाल पिता बिस्कुटलाल पारधी, 19 साल निवासी पटेहरा थाना रीठी एवं कसाल पिता कमलेश पारधी, 20 साल निवासी हरदुआ थाना रीठी का होना बताया, जिन्हें थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर अपने साथी पंजाब सिंह व मोबित लाल के साथ मिलकर उक्त घटना कारित करना बताया। गुरजलाल पारधी द्वारा अपने हिस्से में आए रुपयों में से बचे हुए 10,000 रुपए दिए, जिसे जब्त किया गया। आरोपी कसाल पारधी के मेमोरेंडम के आधार पर घर से पत्नी नंदिनी को बोलकर घर में रखे 12,000 रुपए जब्त कराए गए। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों के मोबाइल में रेड मरकरी, जड़ी बूटियों, मड़ी आदि के कई वीडियो मिले हैं, जिनको दिखाकर ये बाहरी लोगों को लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं और मौका मिलने पर रकम ऐंठ लेते हैं। घटना के अन्य 2 आरोपियों की तलाश हेतु टीमें लगाई गई हैं। कुटला थाने में जो पारधी गिरफ्तार हुए हैं, किस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, क्या गुनाह किया था? देखिए, पारधी उड़ीसा में जाकर गए थे और उन्होंने उड़ीसा में जो सामान्यतः ये रुद्राक्ष या मर्ग इस टाइप की चीज़ें बेचते हैं, उसमें आदमी को प्रलोभन में ले लेते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष या रेड मरकरी हम देंगे। तो उसने प्रलोभन में आकर रामकृष्ण वगैरह आ गए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर आए थे तो उनको एक को आदमी 80,000 रुपये ले लिए थे। पुलिस को सूचना मिली तो उसमें टीआई कोटला विपिन, संजय दुबे और रीति टीआई ने मिलकर दबिश दी थी तत्काल टीम बना के। तो उसमें हम लोग दो अभी तक के पूरे इन्वेस्टिगेशन 2 पारधियों को हमने अरेस्ट किया है और 22,000 रुपये रिकवर किया है, फ़ोन रिकवर किए हैं, बहुत सा सामान रिकवर किया है, विवेचना चल रही है। पारधी लोग जो हैं अक्सर ऐसी घटनाएँ करते हैं, ये बाहर की स्टेट के आदमियों को लव लाश देख के इस टाइप की चीज़ों का यहाँ बुलाते हैं, कभी नागमणि के नाम पर, कभी रुद्राक्ष के नाम पर, कभी रेड मरकरी के नाम पर, जो दुर्लभ टाइप की चीज़ें रहती हैं और बुल्लू बनाकर पैसे उनसे ले लेते हैं। ये 4 से भी टाइप का फ्रॉड हुआ। सर, ये अधिकतर ये मामला देखने आया कि पारधियों पर अभी तक कौन ठोस कार्रवाई क्यों नहीं, इस तरह की क्यों नहीं हो पा रही, ये बार बार ऐसी वारदातों को सामने आ रहा है। देखिए, पारधियों पर हम लोगों ने लगातार रेड डाली हैं, ऐसा नहीं है। हमने खुद हरदुआ में, मैं खुद गया हूँ हरदुआ में और पिपरिया में रेड डालने के लिए। अब क्योंकि उनको बसाया गया है उन गाँव में और सरकार बसाहट हुई है,
उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, लेकिन वो अभी भी कुछ लोग अपने कुछ समाज लोग हैं जो डाइवर्ट हैं, तो हम लोग उसमें लीगल एक्शन जो है ले रहे हैं। हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग कार्रवाई करते हैं। हमारे कटनी ज़िले में उनका कोई ऐसी वारदात नहीं हुई है, तो हमारे यहाँ जब भी वारदात उन्होंने एक दो करी है तो हमने बहुत सख्त कार्रवाई की है। बाहर यदि करके आते हैं तो हम लोग मदद करते हैं दूसरे ज़िले की फोर्स को, और उसमें हम लोग उनको पकड़वाने में मदद करते हैं और उनसे रिकवरी कराने में करते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770222।